सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ICSE रैंकर्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय ब्रेकिंग मेथड एंड बाय श्री धराचार्य और क्वाड्रेटिक मेथड। आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, नहीं तो बहुत समय लगता है कैलकुलेट करने में चीज़ों को। बट इफ यू हैव लर्न दीज फॉर्मूलाज यू विल बी रियली फास्ट इन डूइंग कैलकुलेशंस। सो द फर्स्ट फार्मूला इज a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. a minus b multiplied by a plus b is equal to a square minus b square. x plus a multiplied by x plus b is equal to x square plus b multiplied by x plus ab. This is very important, ज़्यादातर लोगों को याद नहीं होता है, इसलिए आप पेन पेंसिल लीजिए और इसको लिख लीजिए। a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab a plus c, and next a minus b minus c whole square is equal to a square plus b square minus c square minus 2ab plus 2bc minus 2ac। अब कुछ बोनस फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ये कैलकुलेशन में बहुत जनरली आते रहते हैं इसलिए इन्हें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट a plus b whole square plus a minus b whole square is equal to 2a square plus 2b square. Second, a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4ab. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और आज के लेक्चर में भी ये यूज होंगे, तो इन्हें अपनी पेन पेंसिल से कॉपी में लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट, अब आते हैं क्यूब फॉर्मूलाज, ये भी फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। a क्यूब माइनस बी क्यूब is equal to a minus b multiplied by a square plus ab. a cube plus b cube is equal to a plus b a square plus b square minus ab. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्लस माइनस का ध्यान देना है, अगर थोड़ी भी गलती हुई प्लस माइनस में तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। नाउ a plus b plus c whole cube is equal to a cube plus c cube plus 3a plus b plus c multiplied by c plus a. Now, very important, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to bracket x plus y plus z multiplied by bracket x square plus z square minus xy minus yz and minus xz. Now, moving on to the next formulas. अब इन formula का जो last वाला formula था जो मैंने important बताया उसका ये special case है। x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z multiplied by x square plus z square minus xy minus yz and minus zx. If x plus y plus z is equal to 0, this term, when it is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 0. और जब हम इसको इधर लाएंगे क्योंकि ये पूरा टर्म तो 0 बन ही चुका होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और हमें मिलेगा ये रिजल्ट। ये भी आपकी कैलकुलेशन बहुत हद तक फास्ट कर सकता है। अब नाउ फॉर इररेशनल नंबर्स, ये आपको कम यूज आएंगे लेकिन जब भी अंडर रूट आ जाता है किसी क्वेश्चन में तो हमें डरना नहीं है, हमें फॉर्मूलेज याद रखने हैं। अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट बी। अंडर रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। ये ब्रेक हो जाती हैं पावर्स, ये आपने एक्सपोनेंट्स में भी देखा होगा। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ये ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी है, बस इसमें अंडर रूट लगा है तो इधर ए माइनस बी आ गया है। ये भी वैसा ही है और ये वाला भी वैसा ही है। अब जब हमको वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं तो हमें एक अप्रोच पता होनी चाहिए जिससे हम वर्ड प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी सॉल्व हो सकती है और आपको थोड़ी आसान लगेगी। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी हमें अननोन क्वांटिटी दी जाती है कि जिसके बारे में हमें नहीं बताया जाता, उसे हम सबसे पहले एक्स मानेंगे। हम मान सकते हैं ए, बी, जेड, वाई, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम एक्स मानते हैं क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हम एक्स में ही ज़्यादातर लिखते हैं, तो हम इस ही में लिखेंगे जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी हो। मेक इक्वेशंस फ्रॉम कंडीशंस इन द क्वेश्चन। अब कंडीशंस हमें क्वेश्चन में दी जाएंगी, जैसे हो सकता है कोई एज प्रॉब्लम हो कि अब मैं जितने साल की हूँ उसके 10 साल बाद मेरा बेटा मेरी एज का हाफ हो जाएगा या अंडर रूट हो जाएगा, तो उसमें एक कंडीशन आ गई, या कोई स्पीड की प्रॉब्लम आ रही है। उन सब में कंडीशंस के थ्रू आप एक इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन से, दूसरा था ब्रेकिंग मेथड जो टाइप 2 टाइप के क्वेश्चंस थे, और थर्ड इज श्रीधराचार्य मेथड। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना आता है तो आप जाके पहले पहला वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें 1 घंटे के लेक्चर में मैंने पूरा बताया कि हर टाइप की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट वॉच लेसन 1 और उसके बाद आप इस लेक्चर 2 में आइएगा। नाउ 4, चेक द आंसर्स इफ दे फुलफिल द कंडीशन और नॉट। अब आपको जो कंडीशन दी जाएगी उससे आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स निकालेंगे, या उन्हें हम कहते हैं रूट्स निकालेंगे या फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन हो सकता है वो आपके क्वेश्चन में सूटेबल ना हो, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मैथमेटिकल आंसर और दूसरा होता है प्रैक्टिकल आंसर। हो सकता है किसी एज प्रॉब्लम में आपको दिया जाए, आंसर आ जाए कि जैसे फादर की एज 25 इयर्स है और उसमें आ रहा है कि जो उसका सन है उसकी एज आ रही है 1 is 5 years, अनदर इज -10, और हो सकता है किसी और केस में उसकी एज आ रही हो 45। तो आपको देखना होगा कि 5 इज द करेक्ट आंसर, -10 नहीं हो सकता क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होती है, 45 नहीं हो सकता क्योंकि एज ऑफ पेरेंट्स is always greater than age of children। इसीलिए आपको इस इक्वेशन जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन में पुट करना होगा, या फिर अपने कॉमन थिंकिंग से ही सोचना होगा कि हाँ ये क्वेश्चन में हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करना शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में अपने आप हिंट दिया होता है कि हमें किस चीज़ को x मानना है और किस चीज़ पे क्वाड्रेटिक बनानी है। तो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। 9 times a certain whole number is equal to 5 times less than twice the square of the number। इसमें हमें नंबर के बारे में बात करने को कहा है, लेकिन हमें नंबर बताया नहीं गया है, तो नंबर हमारा अननोन है। और हमारा फर्स्ट मेथड क्या था, हमारा फर्स्ट स्टेप था कि जो भी अननोन होगा हम सबसे पहले उसे x मान लेंगे। सो लेट द नंबर बी, नंबर का शॉर्ट फॉर्म NO, बी x। हमने x मान लिया है नंबर को। अब हम लाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि 9 times द नंबर दैट इज x इज इक्वल टू 5 times लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बनाएंगे। ATQ means अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 9 times द नंबर इज इक्वल टू, यहाँ में इक्वल टू मिला, इसके बाद की ये दूसरी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2, और ये थी कंडीशन नंबर 1, इज ट्वाइस एक्स स्क्वायर -5 इज 5 times लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, उसमें 5 times लेस है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन आज मैं जल्दी सॉल्व करूंगा क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती है। सो -9x इज इक्वल टू 0, x - 5 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, -1/2। अब इसमें दिया गया है अ होल नंबर। मैंने कल बताया था होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं 0, 1, टू, थ्री से इन्फिनिटी तक। अब देखेंगे x बिलोंग्स टू होल नंबर, 5 बिलोंग्स टू होल नंबर, इसका मतलब हमारा आंसर है ये। माइनस 1/2 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है 5। यही था हमारा आखिरी पॉइंट, चेक द आंसर्स इफ दे फुलफिल द कंडीशन और नॉट। तो हमने देखा कि कंडीशन लगी थी x पे कि इट इज अ होल नंबर, और हमने देखा एक आंसर 5 हमारा होल नंबर को सेटिस्फाई करता है, लेकिन -1/2 डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ होल नंबर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। इंटीजर्स मैंने बताया था कल क्या होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2 टू इन्फिनिटी एंड फ्रॉम हेयर टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ये होते हैं इंटीजर्स। हुज प्रोडक्ट इज 195। एक और बार क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रीड करें, जिससे आपको समझ में आए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि इसमें आपके आंसर्स तो आ जाएंगे लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई करना मेन थिंग है। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 195। अब इसमें हमें कंसेक्यूटिव और ऑड इंटीजर्स की बात की है, तो हमारे ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑड इंटीजर्स होते हैं जैसे 3, 5, 7, या अगर हम नेगेटिव की बात करें तो आता है -3, -5 एंड -7। आपने देखा इसमें कि इसमें +2 हो रहा है, 5 से 7 में भी +2 हो रहा है। इसका मतलब अगर हम माने लेट द इंटीजर बी x, so the second consecutive odd integer will be yes x + 2। ये कंडीशन हमें कहाँ से पता चली? हमने एक एग्जाम्पल लिया और हमें उससे पता चली। तो थोड़ा अपनी कॉमन थिंकिंग को भी यूज करना है, और क्वेश्चन तो आपको हिंट देगा ही। अब हम लोग लेंगे इसका प्रोडक्ट इज 195, सो प्रोडक्ट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x + 2 इज इक्वल टू 195। x² + 2x - 195 इज इक्वल टू 0। x - 13 x + 15 इज इक्वल टू 0। x = 13, -15। अब हमारे ये आ गए हैं ऑड इंटीजर्स नंबर 1। अब हमें दूसरे इंटीजर्स चाहिए 2, तो वो क्या थे? x + 2, सो 13 + 2 इज इक्वल टू 15 एंड -15 + 2 इज इक्वल टू -13। तो हमारे जो 2 पेयर बन गए, पेयर हमारे कितने बने? 2 पेयर्स बने। एक बना 13, 15 का, और दूसरा पेयर बना -15, -13 का। अब इसमें इंटीजर दिया गया था इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव लिखा है। अगर इसमें भी होल नंबर या नेचुरल नंबर लिखा होता तो हम इसको कंसीडर नहीं करते। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन ICSE 2016 में आया है और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। इसका लेवल बाकी क्वेश्चंस की तरह नहीं है, थोड़ा हट के है ये क्वेश्चन, तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, लगभग 2 बार रीड करेंगे। और अगर आप मेरे साथ नहीं कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी समझने में, इसलिए मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस का। सो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 बाय 60। अज्यूम द मिडिल नंबर टू बी x एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक, गलत लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सैटिस्फाइंग द अबव स्टेटमेंट, हेंस फाइंड द 3 नंबर्स। जैसे मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन हमें खुद ही हिंट देगा। उसने बता दिया कि आपको मिडिल नंबर को क्या मानना है? x मानना है। और यहाँ क्या दिया है कंडीशन? दैट दे आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव भी हैं और नेचुरल नंबर्स। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, और नेचुरल नंबर भी है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर like 1, 2, 3, 4 and infinity. So now अब लिखते हैं सॉल्यूशन में। let the middle number be x. अब हमने मिडिल नंबर को x मान लिया. अब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होते हैं. आप देखिए 2 + 1 होता है 3 एंड 2 - 1 होता है 1. तो अगर हमारा मिडिल नंबर x है तो हमारा अदर टू नंबर क्या होंगे? अदर नंबर्स होंगे x - 1 एंड x + 1. ओके, ये कंडीशन हमें किससे पता चली? नेचुरल नंबर. ये हमें क्वेश्चन नहीं दिया था. सो क्वेश्चन रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें सब कुछ बता देगा कि आंसर क्या आने वाला है और किसको x रखना है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें कंडीशन दी है कि x² इज इक्वल टू x + 1 होल स्क्वायर माइनस x - 1 होल स्क्वायर and this exceeds by 60, then we will use 60. अब आपने देखा होगा, ये मैंने अभी शुरू में ही एक आपको बताई थी फॉर्मूला जिसको कहते हैं a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू 4ab. तो देखिए हमारे लिए कितना आसान हो गया. इतना बड़ा एक्सप्रेशन अब हम तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं. x² इज इक्वल टू 4x + 60. अब देखिए हमारे पास आ गया इतनी जल्दी. अब हम लोग क्वेश्चन बाकियों से तेज कर सकते हैं, और जब हम पेपर में बैठे होंगे एग्जाम करने के लिए तब हमें जल्दी ही आंसर मिल जाएगा. x² - 4x - 60 इज इक्वल टू 0. x - 10 x + 6 इज इक्वल टू 0. नाउ x इज इक्वल टू 10, -6. अब हमें फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी जो कंडीशन दी गई है वो क्वेश्चन फुलफिल कर भी पा रहा है कि नहीं. x इज इक्वल टू 10, सो हेयर इट इज गिवन दैट इट इज अ नेचुरल नंबर. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 10 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट -6 डज इट बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर? देखते हैं -6 कहाँ है इसमें. नहीं, -6 does not belong to a natural number. Hence, our answer will only be 10, not -6. यही होता है मैथमेटिकल सोल्यूशन. और प्रैक्टिकल या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सोल्यूशन क्या होता है? दिस इज द आंसर विल बी 10. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा. जैसे एक बहुत फेवरेट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड हर बार देता है और एमसीक्यू पैटर्न में भी आते हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं. वो होते हैं द नंबर एंड डिजिट कॉन्सेप्ट. बहुत सारे बच्चों को पता होता है नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है, बट क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो. सो नंबर कुछ भी हो सकता है. जैसे 23 इज अ नंबर, 34 इज अ नंबर, 78 इज अ नंबर, 19 इज अ नंबर. बट इस नंबर के दो पार्ट होते हैं जिसको हम प्लेस वैल्यू करके क्लास फर्स्ट सेकंड में भी समझते हैं. दैट 8 इज 1s एंड 7 इज 10s डिजिट. सो 8 इज व्हाट? 1s डिजिट एंड 7 इज 10s डिजिट. नंबर के दो पार्ट्स होते हैं डिजिट. नंबर के दो पार्ट्स होते हैं डिजिट. जैसे हमने एक नंबर लिया 100, तो इस 100 में जो 0 है ये 1s डिजिट दिखाता है, और ये जो 0 है ये 10s डिजिट दिखाता है, और इसमें और भी होते हैं जैसे ये 100 डिजिट. नाउ अब हम आपको बताएंगे कि एक नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है. जैसे एक जनरली एक नंबर लेते हैं XY फॉर्मेट में होता है, तो इसको हम एक्सपैंड कैसे करेंगे? y इज इन द 1s प्लेस एंड 10 इज इन द 10th, x इज इन द 10th प्लेस. तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे 10 × x + 1 × y इज इक्वल टू 10x + y. अब हमें पता है 1s डिजिट में हमेशा 1 मल्टीप्लाई होगा, इसलिए अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे. इसलिए अब हम इसमें लिखेंगे 24 में 2 × 20 + 4 इज इक्वल टू, सॉरी हेयर इट इज नॉट 20, इट इज 10. सो 20 + 4. नाउ 89, 8 × 10 + 9, and it will become 80 + 9 is equal to 89. Now 7 × 10 + 5, it will become 70 + फाइव। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि यस, मैंने जो अपना ये वाला एक्सपैंडेड फॉर्म लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैं जब इसको ऐड करता हूँ तो मुझे अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है आप ये समझ चुके होंगे। सो नाउ अब हम इसके क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए, अब जो हमने नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर ही एक क्वेश्चन करते हैं। अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट of its digits is 12. When 36 is added to this number, the numbers interchange their places. Find the number. अब इसमें interchange का मतलब होता है, जैसे अगर कोई नंबर एक्स वाई फॉर्मेट में है तो वो वाई एक्स फॉर्मेट में हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरचेंज। सो अब हमको क्वेश्चन ने बता ही दिया है कि फाइंड द नंबर, तो अब हम क्या करेंगे, let the ones digit be x। अब आप देखेंगे कि हमने ones digit को x क्यों माना है, क्योंकि हमको जो क्या कहते हैं कंडीशन दी है वो डिजिट्स पे दी है, ना कि नंबर पे, इसलिए हम लोगों ने ones digit को x माना है। अब नाउ प्रोडक्ट दिया हुआ है 12। अब देखते हैं अगर कोई नंबर होता है जैसे a मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू 100, तो अगर हमें a निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 100 बाय बी, तो ऐसे a निकालते हैं। सो इसी मेथड से हम लोग निकालेंगे द टेंस डिजिट नंबर इज इक्वल टू 12 बाय x, so the 10 digit number is 12 by x and the ones digit is x। Now the number is, अब हम expanded form में number को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ones digit ये है तो ये किससे multiply होगा, 1 से, और 10 digit multiply होगा 10 से, तो 10 into 12 upon x plus x is equal to 120 plus x square upon x। हम लोगों ने x का LCM ले लिया और इधर x मल्टीप्लाई हुआ तो x square। नाउ अब हमने देखा कि नंबर्स इंटरचेंज हुए हैं, तो हम लोग इंटरचेंज नंबर ढूंढ ही लेते हैं। सो इंटरचेंज्ड नंबर इज इक्वल टू, अब इंटरचेंज हुआ है नंबर, इसका मतलब अब यहाँ क्या करेंगे, 10x प्लस 12 अपॉन x इज इक्वल टू 1 to 12 प्लस 10x स्क्वायर बाय x। मैंने इस 10x स्क्वायर को पीछे इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमने पुराना नंबर अपना लिखा था उसमें भी x स्क्वायर जो है वो पीछे लिखा है, इसलिए इसमें भी मैंने x स्क्वायर पीछे लिखा है, जिससे दोनों सेम हो तो सॉल्व करने में आसान रहेगा। ऐसे ही आपको चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, और फॉर्मेट जो आप लिखेंगे वो हमेशा हर चीज़ का सेम होना चाहिए, जिससे आप जब सॉल्व करें तो ईजी पड़े आपके लिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन दी गई थी कि वेन 36 एडेड देन द नंबर इंटरचेंज्ड इट्स पोजिशन, सो नाउ 10x स्क्वायर प्लस 12 बाय x, ये है इंटरचेंज नंबर इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 36, क्योंकि इसमें जब 36 ओल्ड नंबर मल्टीप्लाई किया तो नया नंबर जो आया वो था इंटरचेंज्ड। सो नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब ये आप सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने ये आपको सॉल्व करना पिछले ही लेक्चर में बता दिया है। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो लेक्चर नंबर 1 देखे, उसके बाद इस लेक्चर में आए। नाउ x माइनस 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 6 कॉमा माइनस 2। अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि हमारे जो आंसर्स आए हैं क्या वो दोनों आंसर्स करेक्ट हैं या उनमें से कोई एक बाहर निकल आएगा। सो नाउ अब हमने देखा कि वंस डिजिट है, एक्स क्या है, वंस डिजिट, सो वंस डिजिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज नेवर अ नेगेटिव, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने कभी ऐसा नंबर देखा है कि 4 माइनस 2 ये कोई नंबर हो, नो नंबर होता है -42। 4 -2 कोई नंबर नहीं होता है और इस क्वेश्चन में हम नेगेटिव साइन वैसे भी नहीं ले सकते। सो -2 इज नॉट द करेक्ट, इट इज द रॉन्ग आंसर एंड 6 इज द करेक्ट आंसर। तो अब हमें पता चला है कि जो वंस डिजिट है वो क्या है, वो है 6। सो नाउ अब हमें टेंस डिजिट पता ही चल जाएगा कैसे। टेंस डिजिट के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखी थी जिसका था 12/x और x अभी क्या है 6। तो 12/6 इज इक्वल टू 2। तो आंसर क्या आया, hence the required number is, टेंस में क्या है 2, वंस में क्या है 6, hence the required number is 26। अब ये लाइन आखिरी की लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंक्लूजन की तरह काम करती है, इसलिए इस पे हाफ नंबर मिलते हैं तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है। सो नाउ अब हम देखते हैं आगे क्या है। ओके सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो इतनी टफ नहीं होती, हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल नहीं चाहिए होता है, जिनके लिए हमने वो कर रहा है। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हॉट्स के क्वेश्चन करेंगे जिनमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है और आपकी एक थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को थिंकिंग कैसा होना है। और तीसरी चीज, इसका अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। ये हॉट्स के क्वेश्चंस हम करेंगे पार्ट 3 मतलब लेक्चर नंबर 3 में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।